मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि कासिम बाजार थाना अंतर्गत हसनगंज ब्रह्मस्थान के पास एक बागीचे में कुछ अपराधियों का जमावड़ा लगा हुआ है। अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जुटे हैं और कुछ हथियार भी होने की सूचना पुलिस अधीक्षक को मिली थी। सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा छापेमारी दल का गठन किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक हरिशंकर कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में 13 अपराधी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार अपराधियों लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम देते थे तथा कई लूट कांडों में भी अपनी संलिप्तता इन्होंने स्वीकार की है। इनकी योजना बड़े पैमाने पर लूट की वारदातों को अंजाम देने की थी। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 6 हथियार और 13 गोलियां भी बरामद की गई हैं। लूट की 2 बाइक भी पुलिस ने इनके पास से जब्त की हैं। गिरफ्तार अपराधियों ने ही संदलपुर ओपी के पास फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर की गई कार्रवाई के दौरान 13 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 देसी मॉस्केट, 5 देसी पिस्तौल, 315 बोर की 13 गोलियां, 1 डाइगर छुरा, 1 चाकू, कुछ सिगरेट और गुटखा के अलावे लूट की 2 बाइक एवं फायरिंग में इस्तेमाल की गई 2 अन्य बाइकों को भी बरामद किया गया है। इसके अलावे पुलिस ने इनके पास से 4,500 रुपए नगद भी बरामद की है। हसन बाजार थाना अंतर्गत हसनगंज ब्रह्मस्थान पे कुछ अपराधियों के जमावाड़े की सूचना थी और ये भी आ रही थी खबर कि उनके पास काफी मात्रा में हथियार बरामद हो सकते हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ सदर की टीम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इसमें वासुदेवपुर ओपी थानाध्यक्ष, कासिम बाजार थानाध्यक्ष, सफिया सराय ओपी थानाध्यक्ष और एसआईयू के इंस्पेक्टर विनय शामिल हुए। रेड की गई और यहां से 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसपे प्रमुख जो है वो है गुड्डू मियां, जो कि हाजी सुभान का रहने वाला है। इसमें इसके ऊपर पूर्व में 14 के आसपास केस दर्ज हुए हैं, जिसमें हत्या, डकैती, लूट, यूएपीए जैसे संगीन अपराध हैं। इसके अलावा अजय शाह उर्फ पांडा, ये काफी बड़ा एक रैकेट चलाता है लूट का, डकैती का और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का। इसके अलावा संतोष मंडल, इसके ऊपर भी पूर्व में आधा दर्जन से ऊपर ही केस है। कुर्रा, रवि यादव, कारू यादव और इनके जो और भी गैंग मेंबर्स थे, कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।